हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मिसिस किंजल पंचाल। आई एम अ टीचर इन जेम्स इंटरनेशनल स्कूल। स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 4th, लिसन केयरफुली। स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई विल कंटिन्यू योर यूनिट 10, अ बॉय वो हैटेड वेजिटेबल्स। ओके, ये वीडियो में मैं आपका जो यूनिट 10 जो आपका बाकी है वो कंटिन्यू कर रही हूँ। ओके, आई विल कंटिन्यू फ्रॉम एक्टिविटी 5. ओके, इन प्रीवियस वीडियो आई हैव ऑलरेडी टॉट यू एक्टिविटी 1, 2, 3 एंड 4. ओके, सो नाउ ओपन योर पेज नंबर 88. ओके स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो, इन दिस यूनिट वी विल लर्न अबाउट वन काइंड ऑफ बॉय हू हेटेड वेजिटेबल्स। ओके, हम इस तरीके के लड़के की बात करें जो वेजिटेबल को हेट करता है। ओके, फिर वेजिटेबल्स को हेट करता है, उसकी उसको कोई क्या अच्छा लगता है, सिर्फ उसकी मम्मी जो नई नई डिशेज बनाती थी वही और चॉकलेट, वो सब खाना ही उसको। बाकी वो वेजिटेबल का नाम सुन के भी, वेजिटेबल का नाम सुनते ही वो मुंह घुमा देता था। ओके, वेजिटेबल्स की तरफ देखता भी नहीं था। ओके, उसकी मम्मी कुछ वेजिटेबल का नाम भी भूल से देते तो मुंह घुमा देता था और चिल्लाता था नहीं ऐसे करके। ओके, और फिर वेजिटेबल्स, वो वेजिटेबल को पसंद नहीं करता था, वेजिटेबल उससे चिढ़ते थे जीत से। ओके, फिर उन लोगों ने प्रैंकिंग करना स्टार्ट कर दिया जीत के साथ, है ना, जो हमने पहले वाले वीडियो में देख लिया, यानी एक्टिविटी 3 और 4 में हमने देख लिया कि किस तरह का करेला है जो अपना जो जूस है वो स्क्वीज करता है पिज़्ज़ा के ऊपर। ओके, तो पिज़्ज़ा कैसा लगने लगता है, बीटर, फिर उसके बाद चॉकलेट बिस्किट केक। ओके, तो उस पर क्या करता है वो लंप ऑफ सॉल्ट, मतलब वो अक्खन जो सॉल्ट का घांगड़ा बोलते हो ना वो डालता है, तो फिर वो खारा लगता है ना। फिर चॉकलेट स्लैब खाने जाता है तो उसको तीखा लगता है, चीली रब करके देते हैं, तो ये वेजिटेबल्स मिलके सब उसके साथ प्रांग करते। ओके, चलो नाउ एक्टिविटी 5। ओके, रीड द पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ द स्टोरी, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन प्रॉपर ऑर्डर एंड रीराइट देम इन योर नोटबुक। ओके, यानी यहाँ आपको एक सेकंड, आपको यूनिट एक्टिविटी 3 लिखना था, वो दो क्वेश्चंस वो लिख लिए होंगे आपने। ओके, नाउ यहाँ हमें रीअरेंज करना है। ओके, अच्छी तरह से अरेंज और उसको फिर से लिखना है, यहाँ इन ऑर्डर में करना है। ओके, जैसे मैंने यहाँ नंबर्स डाल दिए बच्चों। ओके, जैसे फर्स्ट नंबर में ये आएगा, 3 नंबर का जो है वो फर्स्ट नंबर, जीत डिड नॉट लाइक टू ईट वेजिटेबल्स। ओके, जीत डिड नॉट लाइक टू ईट वेजिटेबल्स। सेकंड है मेरा, नीचे लास्ट में 10 नंबर का है वो, ही ग्रीडीली पुट अ पीस ऑफ पिज़्ज़ा इन टू हीज माउथ। ओके, फिर थर्ड नंबर में है, ही फाउंड पिज़्ज़ा वेरी बिटर। ओके, फोर नंबर में, 9 नंबर का है, 4 नंबर में जो 9 नंबर का है वो, ओके, चॉकलेट बिस्किट केक वॉज बींग ब्राउट टू हिम, जीत पुट अ पीस ऑफ चॉकलेट बिस्किट केक इन टू हीज माउथ, ही फाउंड इट सो सॉल्टी। ओके, अब ही उसके बाद है, 4 के बाद 5 नंबर का है, एक्चुअली 5 नंबर का है वो 2 बार है। ओके, देखो, ओके, देन जीत पुट अ पीस ऑफ चॉकलेट बिस्किट केक इन टू हिज माउथ। ओके, एंड ही फाउंड इट सो सॉल्टी, यानी 4 नंबर का है वही फिर से दिया गया है। ओके, 6 में 9 है वही 6 नंबर में है, इसलिए 4 के बाद 5 ये वाला लिखना है। ओके, फिर ये इन द मिडल ऑफ द नाइट, जीत क्रैप्ट हंग्रीली टू द फ्रिज। ओके, ऐसा, फिर 6 नंबर में है, ही टूक, 8 नंबर का है वो, ही टूक आउट अ स्लैब ऑफ चॉकलेट एंड टूक अ बिग बाइट, बट हिज टंग बर्न्ड बिकॉज द वेजिटेबल हैड रब्ड चिलीज ऑन द चॉकलेट। और 8 के ऊपर ही
ये सेवन नंबर का है, वही सिक्स, सिक्स के बाद सेवन नंबर का होगा, ओके। क्योंकि यहाँ दो सिक्स और सेवन नंबर का जो है वो दो दो बार दिया है, ओके, दो दो बार दिया है। एट और नाइन का ही है, सिक्स और सेवन जो है ना वो एट और नाइन के पीछे वाला देखो वही है, ओके। इसलिए उसको थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा बच्चों, ओके। आपको इस तरीके से आपको लिखना है। स्टूडेंट्स नाउ एक्टिविटी सिक्स, से द फॉलोइंग टंग ट्विस्टर एज फास्ट एज यू कैन। से द फॉलोइंग टंग ट्विस्टर एज फास्ट एज यू कैन, यानी टंग ट्विस्टर मतलब एक ही जैसे वर्ड्स, जैसे आपने वो देख चंदू की चाची ने चंदू के चाची को चांदी की चमची से चटनी चटाई। देखो यहाँ फ्रेश फ्राइड फिश, फिश फ्रेश फ्राइड, फ्राइड फिश फ्रेश, फिश फ्राइड फिश है, देखा। वो यहाँ यूज़ करना है, चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चमची से चटनी चटाई, उस तरीके का। नाउ वर्क इन पेयर्स एंड राइट मोर टंग ट्विस्टर्स रिलेटेड टू फूड, शेयर इट विथ योर क्लासमेट। जो भी पॉसिबल तो है नहीं, पर मैं यहाँ दो तीन लिखती हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ मैंने थ्री लिखे हैं, देखो। अ बिग ब्लू बकेट ऑफ ब्लूबेरीज, अ बिग ब्लू बकेट ऑफ ब्लूबेरीज। सेकंड है डबल बबल गम, बबल डबल, कैसा है। थ्री है अ कप ऑफ कॉफी इन अ कोपर कॉफी पॉट, अ कप ऑफ कॉफी इन अ कोपर कॉफी पॉट, ओके। एकदम ये टंग ट्विस्टर होते हैं, कहने ये बोलने टंग ट्विस्टर मतलब कभी कभी बोलने में है ना हमारी टंग ट्विस्ट हो जाती है ना, यानी कभी कभी ऐसे वर्ड्स होते हैं तो बोलने में भी थोड़ा लोचा लोचे जैसा हो जाता है, ओके। यानी आप बोलोगे तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है, आपकी टंग भी ट्विस्ट कर जाएगी। नाउ एक्टिविटी सेवन, नाउ एक्टिविटी सेवन, हियर आर सम स्क्रैम्बल्ड वर्ड्स रिलेटेड टू फ्रूट्स वेजिटेबल्स जंक फूड एंड ऑल द डिलीशियस फूड वी ईट एवरी डे आर गिवन, अरेंज लेटर्स एंड मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। यहाँ इन ऑर्डर में लिखा है, हमें ऑर्डर में, जैसे ये फर्स्ट क्या है, पिज्ज़ा 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 लिखा है, फिर ये ऑरेंज की स्पेलिंग है, फिर है स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी, कॉल टोमेटो राइस टोमेटो राइस चीज एप्पल पोटैटो सूप, ओके हो गया। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, ओके। स्क्रैम्बल वर्ड्स, नाउ एक्टिविटी सेवन बी, एक्टिविटी सेवन बी, क्लासीफाई द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। यानी दूसरे पीछे वाले पेज में लिखा है कि ये सब वर्ड्स हैं उसको क्लासीफाई करना है उसकी कैटेगरी के हिसाब से। कैटेगरी मीन्स जो फ्रूट्स में उसको फ्रूट्स में लिखना है, जो वेजिटेबल्स में उसको वेजिटेबल्स में लिखना है। मैं आपको तो यहाँ से आपको करना है स्टूडेंट्स, ये आपको होमवर्क में खुद को करना है, ओके। क्योंकि यहाँ मैं आपको ये करवाऊँगी नहीं है, इन नेक्स्ट पिच में मैं आपको बता दें कि सारे नाम से उसको वेजिटेबल्स में वेजिटेबल्स का नाम लिखना है, जो फ्रूट में आता है उसको फ्रूट में लिखना है, इस तरीके से। चलो मैं दिखा देती हूँ, ओके। फास्ट फूड फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड ड्रिंक्स, उसमें जो जिसका आता है, जैसे हम देखो यहाँ फर्स्ट में क्या पढ़ते हैं, पानी वाटर, फर्स्ट है वाटर, तो वाटर किस में आता है, ड्रिंक में आता है, तो वाटर यहाँ लिखना है, ओके। आपको इस तरीके से जो फास्ट फूड में आता है तो इस तरीके से आपको होमवर्क में करना है, यानी आपको एक्टिविटी सेवन भी करना है। एक्टिविटी एट जो है, एक्टिविटी एट, कलर द फॉलोइंग पिक्चर यूजिंग डिफरेंट कलर्स, लिस्ट द थिंग्स विच यू कैन सी इन द पिक्चर। ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। एक्चुअली
क्योंकि इसमें कलर करना है और इसमें आप जो जो चीज़ दिखाई देती है वो आपको लिखना है, जैसे कि पम्पकिन है, फिर बनाना है, स्ट्रॉबेरी है, चिली है, एप्पल है, ओके, ये बॉय है, गर्ल है, तो ये सब कुछ आपको लिखना है, पर आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। अभी नाउ एक्टिविटी 9, चलो एक्टिविटी 9 इज रीड एंड एंजॉय, यानी ये पजल है, ओके, कि आपको बताना है कि ये क्या है, वो एम आई, मतलब मैं कौन हूँ ऐसा, ओके। चलो फर्स्ट, चॉप मी एंड स्लाइस मी, जिसको हम चॉप भी करते हैं और स्लाइस भी करते हैं, ओके। चॉपिंग मतलब काट देना पूरा छोटे छोटे टुकड़े, स्लाइस मतलब छोटे छोटे राउंड में स्लाइस भी करना करते हैं। बट कीप वाटर नियर, बट कीप वाटर नियर यानी पानी में रखते हैं, क्योंकि आई समटाइम्स गेट जूसी, आई समटाइम्स गेट जूसी एंड कैन ब्रिंग ऑन अ टीयर, यानी कभी कभी मैं जूसी भी बनता हूँ, यानी जूसी लगता हूँ, और कभी और आँखों में आंसू भी ला सकता हूँ, मैं आँखों में आंसू भी ला सकता हूँ, तो ऐसा कौन सा है आँखों में आंसू लाने वाला, टेल मी वो एम आई, पता है ऑनियन, आंखों में आंसू सिर्फ एक ही ला सकता है, ऑनियन। चलो आई कैरी वाइट फ्लावर्स टू ब्रेक ऑफ एंड ईट। आई एम समटाइम्स सर्व्ड रो न्यूट्रियस स्नैक ट्रीट, टेल मी वो एम आई, आई कैरी वाइट फ्लावर्स, मतलब मैं वाइट फ्लावर्स जैसा लगता हूँ, वाइट फ्लावर्स टू ब्रेक ऑफ एंड ईट, उसको ब्रेक करके खा भी सकते हैं, ओके। कभी कभी मैं कच्चा ही सर्व कर होता हूँ, ओके, न्यूट्रिशन स्नैक ट्रीट होता है, यानी न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है, तो ऐसा कौन सा, कॉलीफ्लावर, हम कॉलीफ्लावर होते हैं वो एकदम सफ़ेद कलर का फूल जैसा नहीं लगता है एकदम, क्योंकि वो ऊपर वाइट वाइट कलर का, नीचे ग्रीन कलर के पत्ते होते हैं, तो ऐसा लगता है कि फूल हो, है ना, फ्लावर, उसको हम कच्चा भी खा सकते हैं, है ना, तो कॉलीफ्लावर, ओके। चलो आई एम द क्वीन ऑफ फील्ड्स, मदर ऑफ ऑल विटामिन्स, सॉफ्ट इनसाइड बट फ्रॉम द टॉप लुक लाइक प्राउड ऑरेंज ग्लोब, ओके, यानी मैं क्वीन ऑफ फील्ड्स, मतलब जो खेतर होता है उसका क्वीन, खेतरों का क्वीन हूँ, और सारे विटामिन्स की जड़ू, मदर, ओके, सारे विटामिन्स, मदर ऑफ ऑल विटामिन्स, मतलब सारे विटामिन्स मेरे अंदर है, ओके, अंदर से सॉफ्ट हूँ, लेकिन टॉप से जैसे ऐसा लग रहा हो, ऊपर से जैसे ऐसा लग रहा हो, जैसे ऑरेंज हो, ऑरेंज ग्लोब, हमारी जो ग्लोब है वो कौन सा ऑरेंज शेप में है ना, उसी तरीके से शेप में, उस तरीके से दिखता हो, तो कौन है, पम्पकिन, ओके। नाउ एक्टिविटी टेन, रीड द पोएम एंड एंजॉय। ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रेश फ्रूट्स, कैरट्स, टोमेटोज एंड ऑरेंज जूस, मम्मी सेज ईट देम ऑल, इट मेक्स अस हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग, व्हाट इज योर फेवरेट फ्रूट प्लीज, यानी बोले ग्रीन हरी हरी सब्जियाँ और एकदम ताजे ताजे फल, हरी हरी सब्जियाँ और ताजे ताजे फल, कैरेट, टोमेटोज, ऑरेंज जूस, ओके, मम्मी कहती है उस सबको खाओ, ये सब खाओ, ईट देम ऑल, ये सब कुछ खाओ, ये हमें हेल्दी बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, ओके। आपका फेवरेट फ्रूट डिश कौन सा है, बस इतना ही पॉइंट, ओके। सो स्टूडेंट्स, आपको करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको एक्टिविटी 7B जो है वो आपको करने की ज़रूरत है, 7B, ओके, होमवर्क में लिखना है, ओके, और एक्टिविटी फाइव लिखना है, और एक्टिविटी 6 के जो मैंने 3 लिखे ना, टंग ट्विस्टर्स, वो करना है, और एक्टिविटी 7B करना है, ओके। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, आपका यूनिट 10 जो है वो यहाँ
कंप्लीट हो रहा है. ओके इन नेक्स्ट वीडियो ओके आई विल रीजन ओके ऑफ यूनिट 7, 8 and 9, 10. ओके सो बाय. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट.